हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स साइबर। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक पे बात करने वाले हैं, विच इज अबाउट ओवर थिंकिंग। बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो का थंबनेल देखकर या इसका टाइटल देखकर इसलिए भी इस पर क्लिक किया होगा, बिकॉज दे मस्ट बी थिंकिंग दैट वी आर गोइंग टू फाइंड अ सोल्यूशन फॉर आवर ओवर थिंकिंग। बट वी आर नॉट हियर टू गिव यू दैट, बट आई एम वेरी श्योर कि जिस वीडियो के एंड तक आपको ऐसा कुछ जरूर मिलेगा, आप ऐसा कुछ जरूर जानेंगे नया जो आपके बहुत काम का होगा। वेल, ओवर थिंकिंग हम सब लोग करते हैं, हम में से ऐसा कोई भी नहीं है जो ओवर थिंक ना करता हो। और ओवर थिंकिंग के बारे में एक चीज साइंटिफिकली प्रूवन है दैट ओवर थिंकर्स जो होते हैं वो बहुत ज्यादा क्रिएटिव होते हैं। सुनने में अजीब सा लगेगा क्योंकि हम ओवर थिंक को एक मेंटल डिसीज की तरह लेते हैं, एक प्रॉब्लम की तरह लेते हैं, लेकिन ये भी तो डिपेंड करता है ना कि हम सोच क्या रहे हैं, हमारी थिंकिंग का जो क्राइटेरिया है वो क्या है। हम ओवर थिंकिंग प्रोडक्टिव वे में भी कर सकते हैं और ओवर थिंकिंग से हम अपने लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं। तो हम आज यही बात करेंगे कि ओवर थिंकिंग कैसे हमारे लिए हेल्पफुल है और हम कैसे इसका रूट डाइवर्ट करके अपनी तरफ ला सकते हैं और एक पॉजिटिव वे में इसको चैनलाइज कर सकते हैं। सो विदाउट एनी डिले लेट अस बिगिन टुडेज वीडियो। मैं आपको छोटी सी बात बताती हूँ। When I was in class 8, one of my teacher asked a question in our class. She asked कि दो बच्चे हैं जिनमें से एक बच्चा जो है उसको नए टॉयज जब दिए जाते हैं तो वो उनको बहुत संभाल के रखता है, बहुत अच्छे से केयर करके उनकी देखभाल करके रखता है, और दूसरा बच्चा है जब उसको टॉयज दिए जाते हैं तो वो तुरंत उनको तोड़ फोड़ शुरू कर देता है, उसके पार्ट्स खोलना शुरू कर देता है या फिर उसको जल्दी ब्रेक कर देता है। अब आप मुझे ये बताइए कि इन दोनों में से किसके पेरेंट्स जो हैं वो बच्चे पर कैसा रिएक्शन देंगे और क्या रिएक्शन उनका आएगा। तो हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, मोस्टली इनफैक्ट आई वाज आल्सो वन ऑफ देम, हु सेड कि जो बच्चा जो है वो टॉयज को जल्दी तोड़ देता है उसके पेरेंट्स उसको बहुत ज्यादा डांटते हैं, मारते हैं या कहते हैं ये बहुत शैतान है, बदतमीज है, नलायक है, टॉयज को संभाल के नहीं रखता। और एक बच्चा जो कि टॉयज की बहुत ज्यादा केयर करता है उसके पेरेंट्स उसको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, या हम भी अपने घर में ऐसा कभी करते थे तो हमें बहुत अप्रिसिएशन मिलता था। अब इस बात पर हमारी मैम ने जो हमें उस दिन रिएक्शन दिया या जो आंसर दिया वो कुछ इस तरह से था, शी टोल्ड अस कि जो बच्चा टॉयज को जल्दी तोड़ देता है या ब्रेक कर देता है हम उसको नेगेटिवली ले रहे हैं, और जो बच्चा टॉयज को संभाल कर रख रहा है, उनको ज्यादा केयर कर रहा है, उसको हम उस बच्चे की हम उसको हम बहुत क्रिएटिव या पॉजिटिव नाम दे रहे हैं, पॉजिटिव उसकी तरफ हमारा रेफरेंस जा रहा है। लेकिन हम ये जो कुछ भी है ये हमारी सोच का है, हम ऐसा सोच रहे हैं कि अगर बच्चा तोड़ रहा है तो वो उसको डिस्ट्रॉय कर रहा है। क्या ये भी तो हो सकता है कि बच्चा उसमें कुछ साइंटिफिक चीजें ढूंढ रहा हो या उसके अंदर कोई क्यूरोसिटी की हैबिट है जिसकी वजह से वो आउट ऑफ क्यूरोसिटी उस चीज को देखना चाहता है कि उसके अंदर क्या है, ये उसका ट्रेट भी तो हो सकता है। तो ये सब क्या है, ये हमारी थिंकिंग है, हम जैसा सोच रहे हैं वैसा हम रिएक्ट कर रहे हैं। हम अगर ये सोच रहे हैं कि बच्चा उस टॉय के संग अच्छे उस टॉय का जो है वो एक ब्रेक कर भी रहा है तो वो जानने की कोशिश कर रहा है, जब हम इस तरह से साइंटिफिकली उस चीज को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो ये हमारे थॉट्स हैं। जब उस बच्चे के अंदर सिचुएशन में पॉजिटिविटी देख रहे हैं, ये एक नेगेटिव सिचुएशन हमने फॉर्म करी है बट उसमें हम पॉजिटिविटी देख रहे हैं, और दूसरे पेरेंट्स जो कि नॉर्मली होता है, हमने देखा है कि बच्चा अपनी चीजों को संभाल के रखता है तो पेरेंट्स बहुत अप्रिशिएट करते हैं। तो इस केस में क्या हो रहा है कि जब बच्चा केयर कर रहा है तो हम इसको पॉजिटिवली देख रहे हैं, दैट इज गुड, लेकिन हम दूसरे केस में नेगेटिव जा रहे हैं, विच इज वी कैन से दैट माइट बी रॉन्ग। तो ये क्या है, ये हमारे सोचने का तरीका है, हम किसी चीज के बारे में क्या सोचते हैं, किस तरह से सोचते हैं, वही हमारी ओवर थिंकिंग को जो है बर्थ देता है। ओवर थिंक करने से कई बार हम बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन फाइंड कर लेते हैं, कई बार हम किसी प्रॉब्लम में बहुत ज्यादा सोचने की वजह से फंस भी जाते हैं। तो हमारा जो माइंड है एक्चुअली वो फिल्टर कर लेता है जब हम ओवर थिंक करना स्टार्ट करते हैं, हम किसी भी चीज के बारे में किसी भी सिचुएशन के बारे में जब ओवर थिंकिंग शुरू करते हैं तो हमारा माइंड ये जानता होता है, हम भी ये जानते होते हैं कि अब ये ओवर थिंकिंग हो रही है, हम इसके बारे में शायद ज्यादा सोच रहे हैं। बट प्रॉब्लम कहाँ आती है, जब हम उस ओवर थिंकिंग को कंट्रोल नहीं कर पाते, जब हम उस ओवर थिंकिंग पर कोई स्टॉप नहीं लगा पाते, यहां से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो प्रॉब्लम हमारी ओवर थिंकिंग में नहीं है, प्रॉब्लम हम में है कि हम उस चीज को कैसे डील कर रहे हैं। तो आप ये देखिए कि ओवर थिंकिंग प्रॉब्लम कहाँ है, ओवर थिंकिंग तो किसी चीज का बेटरमेंट भी कर सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किस चीज के बारे में सोच रहे हैं। जब हमारे साथ कोई प्रॉब्लम होती है तो हम उसके बहुत सारे नेगेटिव एस्पेक्ट्स पे चले जाते हैं, बहुत सारी चीजों के बारे में सोचने लगते हैं कि वैसा होगा वैसा होगा वैसा होगा। हम अगर ये सोचने की बजाय कि क्या होगा,
हम अगर ये सोचने लग जाए कि हम क्या कर सकते हैं और इस सिचुएशन को कैसे बेटर कर सकते हैं, इस सिचुएशन में हम ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे हमारे पास सोल्यूशन निकल आए, जितना टाइम्स हम उस प्रॉब्लम के कॉज को जानने में दे रहे हैं, जितना टाइम हम लगा रहे हैं, जितने रीजंस हम फाइंड आउट कर रहे हैं, अगर हम उतना ही टाइम उसके सोल्यूशंस में निकालने में, सोल्यूशंस के बारे में सोचने में लग जाए, तो हमारे पास शायद मल्टीपल सोल्यूशंस भी हो सकते हैं एक प्रॉब्लम के। तो ओवरथिंकिंग जो लोग करते हैं, ये डिपेंड करता है कि वो किसी सिचुएशन के पॉजिटिव वे में कर रहे हैं या नेगेटिव वे में कर रहे हैं। अगर नेगेटिव वे में कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक प्रॉब्लम है जिसका हमें ट्रीटमेंट करना चाहिए, खुद से सबसे पहले खुद को असेस करना चाहिए कि कहां पर हमें खुद को रोकना है। और हाँ, अगर हम किसी भी पॉजिटिव चीज के लिए ओवरथिंकिंग कर रहे हैं देन वी शुड डू इट। हमारे पास मल्टीपल प्रोडक्ट्स निकल कर आएंगे, हमारा माइंड मल्टीपल सॉल्यूशंस देगा, हमारे पास एक ही चीज को करने के कई वेज भी हो सकते हैं। तो ओवरथिंकिंग को एक डिसीज की तरह से नहीं लेना है, ओवरथिंकिंग को हमें वहां स्टॉप करना है जब वो नेगेटिव वे में जा रही है, और वहां उसको बढ़ने देना है, उसको और प्रमोट करना है जब वो पॉजिटिव वे में जा रही है। और ओवरथिंकिंग पॉजिटिव और नेगेटिव कब जा रही है ये हमें मालूम होता है, ये हमारा माइंड जानता है। हमारा माइंड तो उस चीज को स्टॉप नहीं कर सकता, लेकिन हम अपने माइंड को कंट्रोल करने की कोशिश कर सकते हैं। तो मैं बस इस वीडियो में आपसे यही चीज डिस्कस करना चाहती थी कि ओवरथिंकिंग को हमें एक डिसीज की तरह नहीं लेना है। हम ओवरथिंकिंग करने के बाद हमें डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचना है कि हमें मेडिसिन चाहिए जिससे हम ज्यादा सो सके, ज्यादा सोने से हम अपने माइंड को रेस्ट दे सकें। दैट्स नॉट द वे। फाइंड आउट योर प्रॉब्लम ऑल बाय योर सेल्फ, जस्ट ट्राई इट वंस, देयर इज नो हार्म इन डूइंग दैट। और कोशिश करने से सब कुछ पॉसिबल है। तो आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। दिस वॉज ऑल अबाउट यू एंड वी वर टॉकिंग ऑन दिस टॉपिक ओवरथिंकिंग। आई होप कि ओवरथिंकिंग हमने करी है इस टॉपिक पर तो कुछ अच्छा ही रिजल्ट निकल कर आया है, और ये रिजल्ट जो है एक पॉजिटिव वे में ले जाएगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी कुछ प्रोडक्टिव सोचेंगे और ये भी सोचेंगे कि ओवरथिंकिंग को हमें कैसे कंट्रोल करना है और कहां पर हमें उसको बढ़ने देना है और कहां पर नहीं। तो एवरीथिंग इज इन आवर हैंड्स, सो लेट्स डू इट। एंड अगर ये वीडियो आपके काम आ रहा है, आपको लगता है कि अच्छा है, तो प्लीज लाइक करें। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो की किसी और को भी जरूरत है जो ओवरथिंक करते हैं और ओवरथिंक को एज अ डिसीज लेते हैं, तो प्लीज पास ऑन दिस वीडियो, प्लीज शेयर दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच। बाय बाय।